भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री जी एस राहुल जी फोटो खींचने दिल्ली से आए हुए हमारे साथी जो दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री विजेंद्र गुप्ता जी माननीय श्री रविनंदन सिंह जी श्रीमती लोबो डॉक्टर राजेंद्र फटके डॉक्टर जितेंद्र जामकार और मित्रों बस हो गया आप में से कई लोगों ने अभी अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर अपने कुछ विचार रखे कुछ विषयों का मैं जिक्र करूंगा लेकिन इससे पहले मैं एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बहुत बढ़िया यार किसी भी राजनीतिक दल में जब कई वर्षों तक कई दशकों तक हम लोग काम करते हैं तो अलग अलग पीढ़ियों में अलग स्तर की जिम्मेवारी मिलती है अरे भैया आज से कुछ साल पहले एक स्थिति थी कि मुझे कई बार राज्यों में जाकर 10-12 साल लगातार 8-10 राज्यों में जाकर पार्टी का चुनाव का प्रमुख बनना पड़ता था उसमें से एक जिम्मेवारी मुझे मिली थी 2003 के मध्य प्रदेश चुनाव और मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो कुछ विषय आप लोगों ने उठाए उस संदर्भ में उस वक्त कांग्रेस की 10 साल से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी को तो दो बार अवसर मिला था 1990 में उससे पहले सन 77 में जनता पार्टी के रूप में दोनों बार हमारी सरकार जब केंद्र की सरकार बदली तो बर्खास्त कर दी गई थी उस दिनों के लिए शायद सन 67 में भी विपक्ष की सरकार थी कुल जोड़ लें तो 6-7 साल विरोधी पक्ष की सरकार थी उस वक्त के विरोधी पक्ष की और लगभग 50 साल में से 45 वर्ष कांग्रेस की सरकार तो यहां का जब मुझे प्रभाव मिला और लगभग मैं एक वर्ष आता रहा तो कल्पना यह थी कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश से हरा पाना बहुत कठिन है मेरा कुछ अध्ययन करने का सवाल था तो मैं मध्य प्रदेश का अन्य राज्यों का जब सामाजिक और आर्थिक आधार क्या है डेटा क्या है स्थिति क्या है जब मैं अध्ययन करता था तो मध्य प्रदेश उस वक्त के 29-30 राज्यों में किसी में 25वें स्थान पर कहीं 27वें स्थान पर कहीं 22वें स्थान पर होता था आरंभ से लेकर एक कल्पना बनी थी कि कुछ राज्य देश में ऐसे हैं जहां प्रगति होना बहुत कठिन है और उन राज्यों को एक शब्दावली नेहरू जी के जमाने में बनी थी जब बीमारू राज्य कहा जाता था उसमें बिहार आता था उत्तर प्रदेश आता था उड़ीसा आता था मध्य प्रदेश आता था राजस्थान आता था और ये जो हिंदी हार्टलैंड और उड़ीसा के राज्य थे ये बीमार शब्द से उनके हर राज्य का पहला अल्फाबेट लेकर बीमारू एक शब्द बनाया गया था क्रिएटेड वर्ड था और म जो था उसमें मध्य प्रदेश
और एक प्रकार से हिम्मत हारे हुए थे, हम तो बीमारू राज्य हैं। और जब अभियान हमने आरंभ किया तो मैं आज जो स्तर बहस का आप कर रहे थे अभी, इसकी तुलना उसके साथ कर रहा हूं। लगभग मैं एक वर्ष तक आता रहा, आखिरी तीन चार महीने यही रहा। और जैसे बहुत पुरातन समाज में बहस हो, आप में से जो लोग उस वक्त का स्मरण रखते हैं तो याद होगा कि केवल तीन विषय थे कि हमें सड़क चाहिए, बिजली चाहिए और पानी चाहिए, जैसे कि किसी जंगल में हम रह रहे हैं। जो बहस किसी जमाने में सब सहारे अफ्रीका में की जाती थी, आज से 15 साल पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में हम लोग और कहीं भी अगर अभियान के लिए जाना पड़ता था तो हमें कहते थे हेलीकॉप्टर ले जाइए या ट्रेन में जाइए, सड़क में मत जाइए, क्योंकि एक नगर से दूसरे नगर जाना, एक जिले से दूसरे जिले में जाना अत्यधिक कठिन था। और मुझे खुशी है कि 15 वर्ष तक जो भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार रही है, और उसमें अधिकतर समय पहले दो तीन वर्ष छोड़ के माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, आज आपकी चर्चा से मुझे यह लगने लगा कि मध्य प्रदेश का एजेंडा सचमुच बदल चुका है। और इस एजेंडा में से एक विषय निकलता है कि वो पुरानी बातें तो समाप्त हो चुकी है, आज कोई बीमारू शब्द का जिक्र भी नहीं करता। मुझे आपको याद दिलाना पड़ा कि एक ऐसा शब्द था मध्य प्रदेश के संबंध में। तो हम अपने जीवन स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अपने क्वालिटी ऑफ बिजनेस को, प्रोफेशन को, उसके स्तर को और कैसे सुधार सकते हैं, और हम प्रगति करना चाहते हैं तो इसमें यह रुकावटें आ रही हैं, यह सरकार से हमारी अपेक्षा है, और हम अगले स्तर तक, नेक्स्ट लेयर तक जाना चाहते हैं। एक प्रकार से एक उम्मीद रखने वाले एस्पिरेशनल राज्य का, एस्पिरेशनल जनता का निर्माण आज इस सोच में से हुआ है। क्या कोई 15 साल पहले कल्पना कर सकता था कि मध्य प्रदेश के दो शहर, दो नगर इस देश में सबसे सर्वोच्च माने जाएंगे? और ये कोई किसी का ओपिनियन नहीं है, ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आधार था, इसमें नंबर दिए जाते हैं हर चीज के लिए। आप इसकी कल्पना कीजिए मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन मेरा मूल संबंध पंजाब से है, जहां के यहां बहुत लोग जबलपुर में रहते हैं, और जितने भी पंजाबी लोग, सिख लोग यहां पर हैं, सिख भाई, पंजाब सबसे प्रसिद्ध था कि पंजाब की प्रगति इसमें है कि वो देश का फूड ग्रेन का बाउल है, देश का जो सारा कृषि पैदा होती है और देश को जो भोजन मिलता है वो पंजाब में से या उसके साथ हरियाणा में से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। क्या 15 साल पहले कोई ये कल्पना कर सकता था कि मध्य प्रदेश कृषि में नंबर एक हो जाएगा पूरे देश में, जहां विषय था कि पानी की आवश्यकता, और इसमें कोई आप इसमें संकोच मत कीजिए। इस वर्ष पूरे विश्व में जो प्रगति होती है, और आप केवल इससे लगा लीजिए कि भी मेरा कोई संबंध आर्थिक विषयों से भी है, जो पूरे विश्व में 3.5% तक इकोनॉमिक ग्रोथ होती है विश्व की अर्थव्यवस्था में, तो उस वक्त उसको अच्छा मान लिया जाता है कि वो हाई रेट ऑफ ग्रोथ होता है। जो विकसित देश हैं वहां तो 1-2.5% से ज्यादा कभी नहीं होती। यूरोप में इधर अगर 1-1.5% हो जाए तो बहुत अच्छा मान लेते हैं। कहीं मैं जापान में अभी आया तो जापान में नेगेटिव था 0.3,
और ये विश्व की औसतन है। इसमें केवल एक अपवाद हुआ करता था, वो चाइना था। और चाइना की प्रगति का ये कारण था कि 30 साल तक वो 9% पर औसतन बढ़ते रहे, 9% ग्रोथ फॉर 30 ईयर्स। और 9% के बाद चाइना ने सबसे अधिक लोगों को गरीबी में से बाहर निकाला उस 30 साल में से। और अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। वो युग था जब विश्व में भी आर्थिक प्रगति का अवसर ज्यादा था, लेकिन 2008 के बाद जब मंदीकरण विश्व में आया उसके बाद स्तर कम हुआ पूरे दुनिया में। आज मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े देख रहा था कि तीसरी टर्म शिवराज जी की, मध्य प्रदेश अकेले औसतन 10% पे हर वर्ष ग्रो करता है। आप इसकी कल्पना कीजिए। अभी बहुत कमियां होंगी, छोटे विषयों में शिकायत हो सकती है, और सबसे जो वर्ग तकलीफ में होता है वो तो कृषि वर्ग में होता है, गांव में होता है। शहर के लोगों का तो फिर स्तर बेहतर होता है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें कृषि औसतन 20% के आधार पर बढ़ती है। अब मुझे नहीं मालूम कोई दूसरा उदाहरण इस देश में हुआ होगा कि कंटिन्यूअसली लगातार 20% पे कृषि बढ़ती रहे। और इसका अर्थ क्या है, मैं अर्थ आपको समझाता हूं। और अगर आप अर्थ समझ गए तो ये प्रश्न भी कहीं इनका उत्तर आपको उसमें छुपा हुआ मिल जाएगा। जब ये राज्य 10% पे बढ़ सकता है और कृषि यहां की 20% पे बढ़ सकती है, और कहीं ये 10-20 साल इसी प्रकार की प्रगति होती रही, तो मध्य प्रदेश के हर नगर की वो स्थिति होगी जो आज इंदौर और भोपाल की है, जिनको देश का सबसे अच्छे नगरों में से वर्ग ए और दो दोनों मध्य प्रदेश के। दिल्ली, बंबई, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई उसमें कहीं खड़े नहीं थे। तो मध्य प्रदेश के जो 5-7 और बड़े नगर हैं उनका भी चित्र वही बनेगा। और ग्रामीण क्षेत्रों का अगर उनकी क्षमता बढ़ती है तो केवल उनके जीवन स्तर पर असर नहीं पड़ता, उनकी खरीदारी के, उनके परचेसिंग पावर पे भी पड़ता। और उसका प्रत्यक्ष असर आपके व्यापारी पे पड़ेगा, आपके उद्योग के ऊपर पड़ेगा, और कई विषय जो आपने उठाए हैं उसके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। और शासन सफलता से चलाना और 10 वर्षों में केवल एक दिशा में ले जाना, अगर मैं शिवराज जी की सबसे बड़ी सफलता मानता हूं तो जो राज्य उस बीमारू मानसिकता में था, आर्थिक स्थिति से उस बीमारू था, उस सोच को तोड़कर वहां की जनता की उम्मीद बढ़ाकर उसको एक एस्पिरेशनल स्टेट बना देना, और जहां लोग कल्पना करें और उम्मीद भी करें और इन प्रश्नों का उत्तर भी मांगे कि यह मेरे जीवन स्तर को और सुधारती। और केवल यही नहीं, कई बार हम राजनीतिक विषयों में इतना उलझ जाते हैं, और हमारे मित्र जो यहां हैं इस दौड़ में कई बार जो सही परिस्थिति समाज की है वहां आती नहीं। मीडिया में भी आजकल विवाद ज्यादा आते हैं और जो अनएडल्ट्रेटेड न्यूज है उसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है पाठक को या देखने वाले को। आप कल्पना कीजिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन गई, 2014 से पूर्व
पूरा विश्व भारत के बारे में क्या कहता था। एक नई शब्दावली अंग्रेजी भाषा की केवल भारत के लिए उसका निर्माण किया गया और वो थी कि भारत में पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है, नई नीति बनाना उसको लकवा मार गया है। ये पॉलिसी पैरालिसिस किसी ने भारत पर नहीं आरोप लगाया था, हमने जितने भी दुनिया के विशेषज्ञ थे जो लिखते थे बोलते थे ग्लोबल जर्नल्स में, ये शब्दावली थी। जो अर्थव्यवस्थाएं एकदम चरमरा रही थी उसमें पांच देश ऐसे थे वर्ल्ड बैंक ने जिसका नाम लिया था, जो एकदम चरमराने की स्थिति में। दो हजार नौ से 14 तक जो यूपीए 2 था, किसी को याद है कि उस वक्त मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या थी? औसतन 5 साल की, और कोई खंडन नहीं कर सकता, ये पब्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, 10.4%। आज के युग में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होना, यूरोप की इन्फ्लेशन है इस वक्त 1.2%, बाकी देशों में कहीं 2% से ऊपर नहीं जाती, जापान में तो 0 पे थी, उससे भी कम माइनस पे आ रही थी।